वज्रासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, तो वैसे वज्रासन इज ऑल्सो फाइन। अगर नहीं ऐसे बन रहा है तो दो तीन ऑप्शन है, या तो आप ऐसे बैठ जाओ, ठीक है, तो थोड़ी देर भी आप इस एक फॉर्म का प्रैक्टिस होगा, देन आपको सम टाइम यू कैन डू दिस। इफ यू कीप डूइंग दिस ऐसे करते करते, देन सडनली आप खुद ही आप दोनों कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करना हमेशा जरूरी है। जब भी ये नहीं सोचना कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो उसका इजीएस्ट स्टेप क्या है वो करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम ये कीजिए, ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है, आप कुछ रख दीजिए, फिर यहाँ तक आएगा पूरा आ जाए। तो या तो ये या फिर वज्रासन, दोनों का स्टार्टिंग मैं बता रही हूँ। जब हम स्टार्ट करते हैं योगा करते हैं, या तो ये रीजन क्या है, जब हम वार्म अप करते हैं, हम थोड़ा शोल्डर अपने जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे, अभी एट द सेम टाइम हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम बैठे हुए हैं तो हमारा वो वाला एक स्ट्रेच भी हो रहा है, एट द सेम टाइम हम दूसरे जॉइंट्स को भी मूव कर रहे हैं। जनरली आप देखेंगे कि सोचते हैं हम कि खाना खाने के बाद अगर वज्रासन में बैठना है तो 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता। तो ये एक सही तरीका है, सही समय है जब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो खाना खाने के बाद जब आपको बैठना है तब कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज आपका ये जो स्ट्रेच है थाई स्ट्रेच, इट विल बी ऑलरेडी गुड। ओके, सो वार्म अप करते करते मतलब एक और एडवांटेज है, खड़े इनिशियली जैसे मैं स्टार्टेड टीचिंग मैं खड़े होकर वार्म अप कराती हूँ, बट देन आई रियलाइज ये करने से दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे वैसे कैसे भी, और बीच में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा वार्म अप एक ही में करना है। आपको नहीं लगता है कंफर्टेबल तो आप ऐसे कर लो, या नॉर्मल क्रॉस लेग बैठ जाओ, या खड़े भी हो सकते हैं। ओके, नो हार्ड एंड फास्ट। व्हेन यू स्टार्ट डेली में, आप जब स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिस, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना कि मुझे एक घंटा करना ही है या फिर मुझे ऐसे ही करना है। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि ठीक है 15 मिनट से शुरू करना है, 20 मिनट से करना, नहीं तो 5 मिनट भी। जब आप 5 मिनट भी बैठने लगते हो तो आपको लगता है जब टाइम निकाल के 5 मिनट बैठे ही है तो 10 मिनट और कर लेते हैं, ऐसे करते करते वो एक घंटा अपने आप हो जाता है। तो जब हम सोच के बैठे अरे एक घंटा तो है ही नहीं हमारे पास, वैसे नहीं करना, 5-10 मिनट भी है तो स्टार्ट, थोड़ा बहुत भी कर लिया, वार्म अप भी कर लिया, सो देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप अगर वज्रासन में बैठने तो ऐसे, और अगर आप पद्मासन में बैठने तो आप ऐसे कर सकते हैं इनिशियली, बट एनीवे वी आर गोइंग टू मूव। सो रोटेट योर नेक center and left
exhale down, reaching chin to your neck, chin back stretch. Inhale up, exhale down. Inhale up. General rule है, जब आपकी body stretch होती है, chest open होती है, neck open होता है, तो आप breathe in करते हैं, inhale करते हैं. Exhale down. जब squeeze होती है body, any part, your belly, neck, shoulders, कुछ भी squeeze हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो exhale करना. And inhale up once again. ये अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं. जब आप रेगुलर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इसको 10-10-15-15 बार भी करेंगे तो इट्स गुड इनफ. एंड देन रोटेट अगेन. इनहेल अप फ्रॉम राइट, एक्सहेल डाउन फ्रॉम लेफ्ट. ये वार्म अप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जितना आप वार्म अप करेंगे उतना आपकी बॉडी में इंजरी नहीं होगी, चाहे आप रेगुलर डेली रूटीन का काम करें या फिर आप कोई एक्सरसाइज या योगा प्रैक्टिस करें. कुछ भी करेंगे तो आपको इंजरी फ्री रहना है. वार्म अप बहुत जरूरी है. चेंज डायरेक्शन. हाथ कंधे की स्लीप में होना चाहिए, नीचे या सीधे स्ट्रेट. पाम्स अप एंड डाउन. फोल्ड फिंगर्स, थंब्स इनसाइड एंड रोटेट. इंटरलेस, उंगलियां मिलाएं नीचे की तरफ.
कोई भी बैलेंसिंग में उसका हायर लेवल होता है आंख बंद करके खींचो
जल्दी जल्दी चेंज करवाऊंगी मैं, बिकॉज टाइम कम है, सबसे मैं खुद से करें तो थोड़ा सा ज्यादा नीजा, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस लेस में नीजा, हाथ अंदर लेकिन उसमें बॉडी कब टियर आउट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेच के साथ स्ट्रेंथ भी लाना है। जैसे खूब अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप स्ट्रेच कर रहे हो, टच योर टोज, इजी हो रहा है, बट जब आप अपने आप को उठाना चाह रहे हो दोनों हाथ पे, एक हाथ पे एक पैर पे, नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको वहाँ पे भी काम करना जरूरी है, तो उस चीज़ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बस ये कर लिया। और एक